माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस अमेजिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अवेलेबल डेटा टैब के बारे में। डेटा टैब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस टैब के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो एक्सेल के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के वर्क कर सकते हैं। इस टैब के अंदर गेट ट्रांसफॉर्म डेटा, क्वेरीज कनेक्शंस, शॉर्ट फिल्टर, डेटा टूल्स, फोरकास्ट और आउटलाइन जैसे इतने ऑप्शंस हैं जिसके अंदर और सब ऑप्शंस होते हैं। इन सब ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे टूल्स छुपे हुए हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क करते टाइम। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन इन सभी ऑप्शन को समझने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो का कोई पार्ट मिस ना करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन में आने के बाद अब हमने यहाँ पे डेटा टैब ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन वन बाय वन समझने हैं। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट या CSV। फ्रॉम टेक्स्ट यानी नोटपैड की कोई फाइल है या कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, कि कोई वैल्यू हमारे पास कॉमा में लिखी हुई है तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम गेट कर सकते हैं यहाँ पे डेटा को जो कि कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैंने नोटपैड में एक फाइल बना के रखी हुई है, कैंडिडेट के नेम लिखे हुए हैं, उनकी एज लिखी हुई है और उनका आईडी नंबर लिखा हुआ है, और हर वैल्यू के पीछे एक कॉमा देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये फाइल मैंने डेटा करके सेव करी हुई है। तो डेटा करके अगर मैंने फाइल सेव की है और मुझे यहाँ पे इसको एक्सेल में लाना है, तो उसके लिए हम लोग अपनी एक्सेल फाइल में चले जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके कंप्यूटर में ये लोकेशंस दिखाएगा जो आपके कंप्यूटर की लोकेशंस होती हैं। आपके वो फाइल जहाँ कहीं पर भी है आप वहाँ क्लिक कीजिए, जैसे मेरे डेस्कटॉप पे फाइल है, और जो फाइल है उस पर क्लिक करिए और इसे करिए इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट करने पर ये कुछ इस तरह से उस फाइल को कनेक्ट करेगा और आपके फाइल को यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू जो है वो कॉमा में थी, इस वजह से इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉमा ले लिया है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं अलग अलग। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उस डेटा को वहाँ पे ऐड करने के लिए लोड पे क्लिक कर देना है। तो लोड पे क्लिक करने के बाद आपका डेटा लोड करेगा ही, और यहाँ पे एक न्यू शीट यहाँ पे ऐड करेगा जिस नाम से आपने डेटा बनाया था, डेटा के नाम से, और वो फाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं कि फाइव रोज लोडेड, और जहाँ पे आपकी टेबल कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है उसमें कॉलम तीन है, इसमें आईडी नंबर, नेम और एज है, लास्ट टाइम कब रिफ्रेश किया गया है, लोड का स्टेटस क्या है, और यहाँ ये डेटा सोर्स किस लोकेशन में सेव करी गई है, उन सारी चीजों के बारे में ये डिटेल्स यहाँ पे दिखा देता है। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया हो। बाकी अगर आपको इसको कोई भी फॉर्मेट देना हो तो यहाँ से फिर बाद में आप फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग डेटा टैब में चले जाते हैं। अब इसी में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्रॉम वेब। इंटरनेट से कोई चीज ढूंढ के लेके आनी हो तो मैं फ्रॉम वेब का यूज कर सकता हूँ, या मुझे ढूंढ के लानी है, या हो सकता है किसी ने मुझे कोई लिंक दी है जो डायरेक्ट किसी वेबसाइट पर जाती है, तो वहां से मुझे डेटा को अगर गेट करना होता है तो हम फ्रॉम वेब का यूज करते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ से ले जाता हूँ गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ एक एग्जांपल के लिए वर्ल्ड कप 2023, और ऐसे करते हैं एंटर। तो कुछ इस तरह से हमारे पास वर्ल्ड कप की यहाँ डिटेल्स जाएंगी, बट मुझे यहाँ पे विकिपीडिया में वर्ल्ड कप को ओपन करना है। करने को हम कहीं भी कर सकते हैं, बट मुझे आपको समझाने के लिए अभी इस ऑप्शन में जाना है। यहाँ आने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास वर्ल्ड कप की टोटल डिटेल्स आ रही है, क्वालिफिकेशन आ रहे हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है और URL को कॉपी करना है Ctrl+C। एक्सेल में जाना है और यहाँ पर हमें करना है फ्रॉम वेब पर क्लिक। फ्रॉम वेब पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ इस पोर्शन में URL को पेस्ट कर देना है और करना है ओके। जैसे हम इसे ओके करेंगे ये लोड करेगा कुछ इस तरह से, और लोड करने के बाद उस URL के थ्रू जितनी भी टेबल्स क्रिएट हो सकती हैं उन सारी टेबल्स को यहाँ पर ऐड कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ 2023 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो उसमें ये कुछ इस तरह से दिखाएगा। कुछ डिटेल्स यहाँ पे है फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का डेटा है। नॉकआउट स्टेज की बात करें तो ये हमारे पास एक डेटा है कुछ इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं मोस्ट रन्स के लिए है, मोस्ट विकेट्स के लिए है, पॉइंट टेबल्स के लिए है, टेबल वन है, मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स होने वाली हैं। अगर हम किसी भी टेबल को यूज करना चाहें तो हम इजिली उस टेबल को यूज कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ टेबल्स के एग्जाम्पल्स हैं जो हमें वेबसाइट से मिले हुए हैं। उस वेबसाइट के अंदर जितनी भी टेबल्स बनी हुई होंगी वो सारी टेबल यहाँ पे अटैच हो चुकी है। तो अभी समझने के लिए मैं यहाँ पॉइंट टेबल्स में क्लिक कर लेता हूँ। पॉइंट टेबल्स का डेटा कुछ इस तरह यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। अगर हमें इस डेटा को ऐड करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट पर तो हमें यहाँ पे लोड पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से पॉइंट टेबल्स जो है यहाँ पे लोड हो रही है और वो फाइल अब यहाँ पे आ चुकी है। आप देखेंगे टेबल फॉर्मेट में आई हुई है, और इसके साथ साथ यहाँ पे इसके जो कॉलम साइज वगैरह है वो सारे के सारे ऑलरेडी मेंटेन्ड आए हैं।
इस कॉलम को ज्यादा स्पेस की नीड थी, इस वजह से इसने ज्यादा स्पेस लिया है और बाकियों ने कम लिया है क्योंकि उनको कम स्पेस की नीड है। तो नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। अब हमें इसी के साथ आगे बढ़ना है। आगे इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम टेबल रेंज। अब यहाँ पे ये कहता है कि क्रिएट ए न्यू क्वेरी लिंक्ड टू द सिलेक्टेड एक्सेल टेबल और नेम्ड रेंज, यानी कि हम लोग कोई न्यू क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं इसी टेबल से। अगर आपके पास कोई टेबल है और आपको उसके साथ साथ डेटा को थोड़ा सा अलग यहाँ पे शो करना है तो आप टेबल का यूज कर सकते हैं। टेबल की नीड होती है, चाहे टेबल कोई सी भी हो, चाहे ये हो चाहे ये, फिर ये हो, आप किसी भी टेबल को यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको छोटी सी टेबल को समझा देता हूँ। डेटा हम लोग करते हैं फ्रॉम ए टेबल पे क्लिक। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका डेटा है टेबल वाला वो ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा, आईडी नंबर, नेम और एज, इस तरह से। अगर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे आईडी नंबर कुछ हटाने हैं या कुछ रो नंबर है वो हटाने हैं या कोई भी चीज है वो चेंज करने हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। टोटल क्वेरीज हमारे पास एक डेटा का है, एक यहाँ पॉइंट टेबल्स का है। अब देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा टू करके यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि डेटा की क्वेरी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी इनमें से ऑप्शन अप्लाई करने हो तो वो ऑप्शन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आगे रिमूव करने की, तो रिमूव टॉप रो लिखा हुआ आ रहा है, रिमूव बॉटम रो लिखा आ रहा है, या फिर रिमूव अल्टरनेट है, रिमूव डुप्लीकेट्स है, कई ऑप्शन इसके अंदर है। समझने के लिए अभी मैं करता हूँ रिमूव बॉटम रो। अब ये कह रहा है कि रिमूव बटन रोज, इस बटन में से हमें कितने रोज को रिमूव करना है, तो नीचे से मुझे यहाँ पे दो रो रिमूव करनी है और इसे हम कर देते हैं ओके। तो ये आपके डेटा वैसे आप देखेंगे इस तरह से दो रो को रिमूव कर देगा। इतना करने के बाद आप इसे करेंगे क्लोज। क्लोज करने पर ये आपसे पूछेगा कि आपको चेंजेस रखने हैं नहीं, तो हम कीप पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डेटा टू यहाँ पे क्रिएट हो गया आया है। कुछ इस तरह से ये टेबल रेंज यहाँ पे बनी है। अगर मैं इसको भी वही कलर दे दूं तो डेटा टेबल में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा और डेटा टू वाली टेबल में आपको डेटा यहीं तक दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया हो। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिसेंट सोर्सेज। इस ऑप्शन में हम लोग क्लिक करते हैं। अब रिसेंट सोर्सेज का मतलब ये होता है कि हमने अभी तक इसमें काम करते करते कहाँ कहाँ से सोर्स उठाए हैं, यानी कहाँ कहाँ से डेटा उठाया है या लिया है, उनको ये रिसेंट सोर्सेज में दिखा देता है। जहां आप देख सकते हैं कि मैंने पहले यहाँ पे डेटा टेक्स्ट फाइल के यूज किया था, दूसरा मैंने अभी विकिपीडिया से एक फाइल उठाई थी, तो दोनों को यहाँ पे कुछ इस तरह दिखा रहा है। अगर हमें कनेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा। बाय द वे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शंस बने हुए हैं, तो ये हो जाता है रिसेंट सोर्सेज का यूज। इसी के साथ हमारे पास एक ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, यानी एग्जिस्टिंग कनेक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो इसके लिए मैं शीट वन पे चले जाता हूँ, जो कि एक ब्लैंक शीट है, और इसे करते हैं क्लोज। यहाँ हम लोग एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया हुआ है एक बार पाइवट टेबल सेल्स डेटा के ऊपर, बट मैं आपको दोबारा से समझाने वाला हूँ कि किस तरह से हम इसको करेंगे। तो हम यहाँ से नहीं करेंगे। अगर कभी भी आपको न्यू फाइल इसमें अटैच करनी हो, लिंक करनी हो, तो आप ब्राउज फॉर मोर पे क्लिक करेंगे, जहां से आपकी जो फाइल है आप उसको पिक करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास वो फाइल है इस फोल्डर के अंदर, मोहित के अंदर, और वो फाइल है पाइवट टेबल। हम इसे करेंगे ओपन, पर यहाँ पे दिखाएगा डिस्क्रिप्शन, नेम फाइल, मॉडिफाइड, क्रिएट और टाइप। सेल्स डेटा मेरी सीट का नाम है और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं है। मॉडिफाइड किस टाइम मॉडिफाई करी है, किस टाइम क्रिएट करी गई है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। और इसे हम कर देते हैं ओके। अभी पूछेगा आपको टेबल फॉर्मेट में चाहिए डेटा, या फिर आपको पाइवट टेबल फॉर्मेट में चाहिए, पाइवट चार्ट में चाहिए, या ओनली क्रिएट कनेक्शन पर चाहिए। तो पाइवट टेबल पे हम लोग इसे ले लेते हैं और इसे कर देते हैं ओके। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बन के आएगा और यहाँ पे हम लोगों को पाइवट टेबल को यहाँ पे रेडी करना पड़ेगा। अब पाइवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। आई होप आपको पाइवट टेबल के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, बट अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी पाइवट टेबल से रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो भी अवेलेबल है, और जब मैं आपको इंसर्टक के बारे में समझा रहा था तो उसमें भी पाइवट टेबल के बारे में अच्छा डिस्कशन किया हुआ है, तो आप वहां जाके भी वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मुझे मान लीजिए मुझसे कहा गया कि मुझे जो डेटा है वो मुझे देखना है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब मुझे उनका सिर्फ और सिर्फ सेल्स चेक करना है कि किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी सेल हुई है। तो ये आपके सामने सामने आ जाएगा कि किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी सेल हुई है। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं रीजन्स की, तो रीजन्स को मैं अभी पिक करके ले आता हूँ फिल्टर ऑप्शन में। मुझे कुछ इस तरह से इसका यूज करना है। अभी ये जो डेटा है, ये डेटा है हमारे पास सारे रीजन्स का, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये ऑल शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करने के बाद नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ मैं इन ऑप्शंस में से किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ नॉर्थ को और इसे कर देते हैं ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ का डेटा हम लोगों को शो हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं करता हूँ मुझे ईस्ट का डेटा शो करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को ईस्ट का डेटा शो हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग रीजन का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इसको ऑल कर देता हूँ, और एक काम करते हैं इस रीजन को फिल्टर में ना रख के हम लोग इसे रख लेते हैं कॉलम लेवल में। तो कॉलम लेवल में रखने के बाद क्या होगा कि आपको दिखाएगा कि नॉर्थ में कितनी सेल हुई है किसी प्रोडक्ट की, या साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में कितनी कितनी हुई है। जिस लोकेशन में नहीं हुई है उस जगह पे खाली खाली आ रहा है। तो हम राइट क्लिक करते हैं,
पाइवट टेबल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ फॉर एम्प्टी सेल हम जीरो कर देते हैं, यानी कि जो खाली सेल्स हैं उनके लिए जीरो आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमारी जो वैल्यूज है वो हमें डिस्प्ले होने लग जाएगी। ये आपके पास पाइवट टेबल है जहाँ पे एसी, कूलर, फ्रिज वगैरह की सेल्स लिखी हुई है। अगर मैं उस शीट में जाऊँ जहां से मैंने ये डेटा लिंक किया है और वहां आने के बाद मैं डेटा को थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, ये वर्कबुक है पाइवट टेबल के नाम से, और थोड़ा बहुत मैं इसमें चेंजेस रखना चाहूंगा। चेंजेस मुझे ये रखने हैं कि मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे एसी हैं वो किसी दूसरे ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएं। तो हम लोग करते हैं रिप्लेस, और रिप्लेस के लिए हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल एच फाइंड, बट मुझे फाइंड करना है एसी, और एसी की जगह मुझे रिप्लेस करके लिखना है इन्वर्टर, और यहां से हम करते हैं रिप्लेस ऑल। तो इसको चार एसी मिले होंगे, इसने सभी एसी को कन्वर्ट कर दिया है इन्वर्टर के ऊपर। तो देखेंगे यहाँ पे कोई भी एसी अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक बार अपने उस डेटा में चले जाते हैं, बट यहाँ पर अभी भी आपकी एसी की सेल है। अगर हम लोग यहाँ पे आके रिफ्रेश ऑल करते हैं तो आप देखेंगे ये एसी की सेल यहाँ से हटा देगा और यहाँ पे एक न्यू सेक्शन ऐड कर देगा इन्वर्टर का, जहाँ पे इन्वर्टर की आप सेल देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हुआ यूं कि हमने जिस सेक्शन में टेबल बनाई है जो कि दूसरी वर्कबुक है, वहां से मैंने इस वर्कबुक के ऊपर इस फाइल को लिंक कर दिया है। इसे लिंक करने का बेनिफिट यह है कि कभी भी अगर हम उस फाइल में कोई चेंजेस करते हैं तो वो सारे के सारे चेंजेस हमारे इस फाइल में अटैच हो जाएंगे। आई होप गाइस आपको ये एग्जिस्टिंग करेक्शन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास अगला ऑप्शन है क्वेरीज एंड कनेक्शन का। तो क्वेरीज एंड कनेक्शन कैसे हम वर्क करते हैं इसके साथ, जैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको शो करेगा कि अभी तक आपकी टोटल क्वेरीज कितनी है और कितने आपके कनेक्शंस हैं। अभी मेरा करंट एक कनेक्शन है जो मैंने लास्ट टाइम बनाया है पाइवट टेबल से, ये उसको कनेक्शन दिखा देगा यहाँ पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारी क्वेरीज कौन कौन सी है, डेटा की क्वेरी है, हमारे पॉइंट टेबल की क्वेरी है, या फिर डेटा टू की क्वेरी है, उनकी टोटल डिटेल्स ये कुछ इस तरह से दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से इसका डेटा सोर्स दिखा रहा है। हम यहाँ पे आते हैं तो इसका भी डेटा सोर्स कुछ इस तरह से दिखा रहा है। अगर हम डेटा टू पे जाएं तो इसके लिए दिखा रहा है देर आर नो डेटा सोर्सेस फॉर दिस क्वेरी। ये इसलिए इसके लिए कोई डेटा सोर्स नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने इसको इस डेटा वाले टाइप से ही यूज किया है। अगर मैंने ऑलरेडी कहीं से सीट उठाई होती या कहीं सेव की होती तो उसका डेटा सोर्स ये शो कर देता वहां पे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज पर। अभी जो प्रॉपर्टीज ऑप्शन होता है ये हमको डिटेल शो करता है कि जो हमने यहाँ पे कनेक्शन बनाया है उस कनेक्शन का नाम क्या है, उसकी जो बाकी डिटेल्स है कितना यूसेज है, या फिर उसकी डेफिनेशन क्या है, यूज इन कहाँ पे वो यूज हुआ है, और उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना हो या दिया हुआ है तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो वो होता है प्रॉपर्टीज में, जहाँ पे आप किसी भी डेटा पे क्लिक करिए ये उसकी प्रॉपर्टीज आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर देगा, ये डेटा की क्वेरी है। और इसे हम अगर चेंज करते हैं, हम डेटा टू पे जाते हैं और इसकी क्वेरी पे क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज पे, तो ये इसके इंटरनल डेटा प्रॉपर्टीज दिखा देगा, इसकी क्वेरी डेटा नंबर टू। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन है एडिट लिंक का। तो एडिट लिंक कैसे वर्क करता है, अब ये ऑप्शन डिसेबल है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम दूसरी शीट पे जाते हैं, यहाँ से मैं कुछ डेटा को कॉपी करना चाहता हूँ और इस किए हुए कॉपी को मैं रखना चाहूंगा अपनी दूसरी शीट पर। तो अभी मैं काम करता हूँ, मैं इतना डेटा सिर्फ कॉपी करूंगा इसका, और इसे हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम लोग वहां जाते हैं इस लोकेशन पर, और यहाँ पे हम लोग करते हैं पेस्ट स्पेशल, या तो राइट क्लिक कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल में जाने के लिए, या तो फिर आप कंट्रोल ऑल्ट वी कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में चले जाना है। जब हम करते हैं पेस्ट लिंक, अब पेस्ट लिंक से ये हुआ कि हमारे जो डेटा है जहां से मैंने सोर्स लिया है इसकी एक लिंक करके डेटा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है वो चेंज करते हैं, एम्प्लॉय आईडी मैं इसे कर देता हूँ 201, और इसके बाद हम लोग राइट क्लिक से इसको नीचे को ड्रैग करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। तो कुछ इस तरह से हमारे आईडी नंबर वगैरह यहाँ पे चेंज हो गए ऑटोमेटिक। इसके बाद हम दूसरी शीट पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके जो आईडी नंबर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गए हैं, हमें इनको रिफ्रेश करने की नीड भी नहीं हुई है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गए हैं। और ये जो है ये हमारा पाइवट टेबल फॉर्मेट में नहीं है। जहाँ पे अगर हम डेटा टाइप में जाएं तो अभी हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन ऑप्शन अप्लाई किया था वो इसी तरह से वर्क करता है, बट उसके लिए हमने जो डेटा बनाया था वो पाइवट टेबल में कन्वर्ट किया था, बट ये जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। अब एग्जांपल के लिए मुझे जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ यहाँ पर, मैं ये नहीं चाहता कि ये वाला जो काम है वो वहां पर जाए, तो ये मैं लिखूंगा तो ये चले जाएगा वहां पे। तो अगर हम लोग कनेक्शन को रोकना चाहें तो हम एडिट लिंक में क्लिक करते हैं और एडिट लिंक में जाके देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास अपडेट वैल्यूज है, चेंज सोर्स है, ओपन सोर्स है, ब्रेक लिंक है, और चेक स्टेटस वगैरह कई ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। अब मान लीजिए मैं करता हूँ यहाँ से ब्रेक लिंक और इसे कर देता हूँ ओके। अब इससे होगा यूं, जैसे कि मैं इसको पहले की तरह करना चाहूंगा, मैंने इसे किया 101, इसे नीचे को ड्रैग किया यहाँ से और इसे कर दिया फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। अब अगर हम यहाँ पे देखें दूसरी शीट पर तो यहाँ तो ठीक हो गया है,
बट अभी भी यहाँ चेक नहीं हुआ है क्योंकि अब इसकी लिंक ब्रेक हो चुकी है, अब यहाँ पे वो काम नहीं करेगा जो उस वर्कबुक पे हो रहा है। आई होप गाइज आपको ये एडिट लिंक ऑप्शन भी क्लियर हुआ हो। तो गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, क्वेरीज एंड कनेक्शन हो गया। अब हम पढ़ते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए मैं एक दूसरे डेटा को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डेटा बना हुआ है और इस पे मुझे अप्लाई करना है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ पे कई नेम लिखे हुए हैं, कई डेटा बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी इसमें फीमेल हैं वो एक लिस्ट में आ जाए और वो जो मेल है वो एक लिस्ट में आ जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मेल और फीमेल लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे A to Z। जैसे हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फीमेल का डेटा अलग कर देगा और जो मेल का डेटा है ये उसे अलग कर देगा। यानी कि इस तरह से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं कोर्स के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करता हूँ तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ADCA एक साथ है, BCC कोर्स एक साथ है, DCA अलग है, DFA अलग है और DTP अलग है। तो आप इस तरह से अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं सॉर्ट की मदद से, जहाँ पे आप इसको जेड टू ए भी कर सकते हैं और ए टू जेड भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें ऑप्शन है सॉर्ट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस का। यानी मल्टीपल ऑप्शंस में हमारे पास अलग अलग फीचर्स रहते हैं डेटा को सॉर्ट करने के लिए। तो पहले हम इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत इसमें फॉर्मेटिंग देना चाहूंगा, जहां पे मैं इस एरिया को ये वाली फॉर्मेटिंग देना चाहूंगा। दूसरा मैं कोई सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ जाते हैं, यहाँ से मैं इसको कोई दूसरी फॉर्मेटिंग दे देता हूँ भी। फिर हम लोग कोई दूसरा एरिया इसमें सेलेक्ट करते हैं और उसमें भी वही फॉर्मेटिंग देना चाहेंगे। तो हम पहले सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। यानी कई बार हमारे पास डेटा आता है अलग अलग फॉर्मेटिंग पे और हमें उसको फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है कि हाँ भाई ये वाला जो एरिया है वो इस कलर में शो करा गया है, ये वाला एरिया इस कलर में शो करा गया है, आपको उसे सही से मैनेज करना है। तो उस कंडीशन में हम लोग इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो अभी मैं यहाँ से इसको कुछ आइकन्स भी दे रहा हूँ, यहाँ से हम आइकन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारे पास अभी डेटा बना हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, डेटा टाइम जाते हैं, यहाँ आने के बाद हम लोग शॉर्ट में क्लिक करते हैं। शॉर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको चेंज करते हैं सेल कलर में। अब सेल कलर में आने के बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कलर होंगे, जहां पे मैं ये चाहता हूँ कि जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये सबसे नीचे पहुंच जाए। तो हम इसे करेंगे ऑन बॉटम और इसे हम लोग करेंगे ओके। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ग्रे कलर वाला डेटा आपके ऊपर दिख जाएगा और ब्लू वाला सबसे नीचे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम दोबारा इसमें क्लिक करते हैं, हम कलर की जगह हम करते हैं इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन। तो अगर हम यहाँ पे जाएं, हमें कोई आइकन यहाँ पे शो नहीं हो रहे। अगर हम लोग इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं और यहाँ आने के बाद फीस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि जो आइकन है वो मैंने फीस पे लगाए हुए हैं, मैं चाहता हूँ ग्रीन वाले आइकन सबसे ऊपर दिखें। तो ऑन टॉप क्लिक करके इसे कर देंगे ओके, तो ग्रीन वाले सबसे ऊपर दिख जाएंगे और बीच में येलो वाले, देन हमारे जो रेड वाले हैं वो सबसे नीचे, लेकिन फिर भी बीच में एक येलो वाला आ रहा है। तो हम लोग दोबारा से इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद रेड पे क्लिक करेंगे, जहाँ से हम करते हैं शॉर्ट ऑन बॉटम और यहाँ से करते हैं ओके। तो जितने भी रेड होंगे वो शॉर्ट हो जाएंगे ऑन बॉटम। इस तरह से आप देख पाएंगे कि आप अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें फिल्टर। फिल्टर का यूज होता है डेटा को फिल्टराइज करने के लिए। यानी कि अगर आपके पास कभी भी कोई लार्ज डेटा है उसमें से आपको कोई पर्टिकुलर डेटा अलग करना है, अब वो ढूंढना है आपको, तो वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किल काम को करने के लिए ही हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन दिया रहता है हमें। अगर हम लोग इस फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हर हेडिंग में एक इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ आने के बाद मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेल वाले डेटा दिखे तो मैं यहाँ पे करता हूँ अनसिलेक्ट ऑल और यहाँ से कर देता हूँ मेल पे क्लिक और इसे करते हैं ओके। तो ये हमारे जितने भी फीमेल वाला डेटा है उसको हाइड कर देगा और यहाँ पर हमें डिस्प्ले करेगा सिर्फ और सिर्फ मेल वाला डेटा। अगर हम लोग यहाँ जाते हैं, मुझे यहाँ पे वही कोर्सेज देखने जिनकी ड्यूरेशन 3 मंथ हो, और मैं ऐसे करता हूँ ओके, तो 3 मंथ की ड्यूरेशन वाले कोर्सेज आपके सामने कुछ इस तरह से आप डिस्प्ले हो जाएंगे और उन सभी के यहाँ पे फीस हमें दिख जाएगी और यहाँ पे आपको उनके नंबर दिख जाएंगे। तो यानी कि इस तरह से हम लोग अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और छान सकते हैं हमें कौन सा डेटा चाहिए और कौन सा नहीं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको क्लियर तो हमारा फिल्टर क्लियर हो जाएगा। अब ये काम करते हैं, मैं गया कोर्सेज में और यहाँ आने के बाद मैंने इसे क्या अनसेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ देखना है DFA कोर्स, तो मैंने इसे कर दिया ओके। तो DFA का जितना डेटा होगा वो कुछ इस तरह से हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ आने के बाद अगर मान लीजिए मैं यहाँ से DFA को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैंने इसे किया DCA। DCA करने के बाद अगर मैं यहाँ से करता हूँ रीअप्लाई, क्योंकि इसको यहाँ पे DCA नहीं चाहिए, इसको DFA ही रखने हैं। तो जैसे हम लोग रीअप्लाई में क्लिक करेंगे ये DCA को यहाँ से हटा देगा और सारा का सारा जो डेटा होगा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे DFA का ही होगा। इस तरह से हम लोग इस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। फिल्टर हटाना हो तो हम इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, हमारा फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। अब इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एडवांस्ड फिल्टर। अब ये जो फिल्टर हमने अभी लगाया इसी का एक एडवांस फीचर होता है, जहां पे हम लोग उसको कुछ इस तरह से यूज करेंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखना है कोर्स,
और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे जेंडर, यानी मुझे ये चेक करना है कि जो DFA कोर्स है उसमें फीमेल का डेटा कितना है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम एडवांस फिल्टर में क्लिक करेंगे, इसने ऑटोमेटिक हमारे डेटा को सिलेक्ट कर लिया कि हमें इस डेटा में से फिल्टर अप्लाई करना है। उसके बाद ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज, तो ये है मेरा क्राइटेरिया रेंज। अब फिल्टर करके मुझे डेटा चाहिए कहाँ पर, उसके लिए हम लोग करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, और वो लोकेशन कौन सी होने वाली है उसे हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, और इसे हम कर देते हैं ओके। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे तो जितना भी डेटा होगा यहाँ पे फीमेल का, वो भी DFA कोर्सेज में, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर, 17 नंबर और 34 नंबर, जिसमें आपका डेटा है लीला रावत, तनु और पूजा शर्मा। तो इस तरह से हम लोग एडवांस फिल्टर की मदद से डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं और किसी अनदर लोकेशन पे उस डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये ऑप्शन भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आते हैं डेटा टूल्स के अंदर। डेटा टूल्स में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई डेटा कॉमा फॉर्मेट में है, ये टाइप करके उसमें स्पेस दिया गया है, मतलब अलग अलग फॉर्मेट की तरह वो डेटा हो सकता है आपके पास। ये कह रहा है कि स्प्लिट ए सिंगल कॉलम ऑफ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स, यानी अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है टेक्स्ट का और हम उसको मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, यहाँ पे हमारे पास एक नोटपैड के डेटा है, इस डेटा को अगर मैं कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद एक्सेल के अंदर मैं इसे कहीं पर पेस्ट करूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इस डेटा को यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आएगा सिंगल कॉलम में। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉमा के अकॉर्डिंग वैल्यूज जो हो रही है वो सेपरेट हो रही है, इसको अलग अलग कॉलम्स में जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे डेलिमिटेड पे क्लिक और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो सेपरेट किया गया है कॉमा के बेसिस पे, तो हम टैब का यूज नहीं करने वाले। टैब तो एक स्पेशल ऑप्शन हो, टैब तो एक एडिशनल ऑप्शन इसमें हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद हम इसे करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिर हम लोग दोबारा से इसको करेंगे फिनिश, और आपका जो डेटा होगा आप देखेंगे कुछ इस तरह से आईडी नंबर, नेम और यहाँ पे एज, तीनों के अलग कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी टाइप की फॉर्मेटिंग यहाँ पे चाहिए होगी आप, तो आप इसमें इजीली वो फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। इस तरह से आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हुआ हो। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे ऑप्शन है हमारा फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल के लिए आपको कंट्रोल ही दिख रहा है शॉर्टकट की, तो फ्लैश फिल एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है, बहुत ही फेमस ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है वीरेश कुमार, अगर यहाँ पे वीरेश कुमार हम देखें तो यहाँ पे वीरेश अलग लिखा है, यानी कि फर्स्ट नेम अलग लिखा हुआ है और जो लास्ट नेम है वो अलग लिखा हुआ है। मुझे यहाँ पे फुल नेम चाहिए, तो फुल नेम के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे वीरेश को पूरा लिखने वाले हैं, और वीरेश में मैंने फर्स्ट लेटर लिख दिया कैपिटल में। इसी तरह से कुमार में भी मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिख रहा हूँ, जो कि एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है। इतना करने के बाद हमें सिंपल अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है और फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ फेच हो गया है। अब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विद टाइटल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिस्टर वीरेश कुमार। अब इसको सिलेक्ट करके नीचे वो ड्रैग करते हैं और यहाँ पे फ्लैश फिल पे क्लिक कर देते हैं, तो आप देखेंगे सभी के नाम के आगे मिस्टर इस तरह से ऐड हो जाएगा। अगर मैं कैप्स में लिखना चाहता हूँ किसी नेम को, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैप्स में उस नेम को जिसमें इसमें लिखा वीरेश, और यहाँ पे मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके नीचे को कर देता हूँ फ्लैश फिल। तो यानी इस तरह से फ्लैश फिल का आप यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इससे कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं समझने के लिए, कि मैंने आपको एक सिंपल ऑप्शन समझाया है जिसकी हेल्प से आप फ्लैश फिल को इजीली समझ पाएंगे और अपने फॉर्मेट को आगे को कंटिन्यू कर पाएंगे। इसी डेटा में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है वो है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग किसी अनदर शीट में चले जाते हैं। मैं आपको दोबारा से उसी शीट में लेके चलता हूँ जहां पर मैंने अभी ये वाला डेटा अप्लाई किया था। अब इसमें हमारे पास कई सारे ऐसे डेटा हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं और उस रिपीटेड डेटा को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। तो कैसे हम लोग उस रिपीटेड डेटा को रिमूव कर सकते हैं अपनी शीट से, वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ चाहता हूँ कि सिर्फ वही नेम डिस्प्ले हो जिनका नाम सिंगल टाइम लिखा हुआ हो, मल्टीपल टाइम नेम्स वाले मुझे डेटा नहीं रखने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें अभी हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 44 तक, और जब हम लोग इसको रिमूव करेंगे यानी कि डुप्लीकेट रिमूव करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं, यहाँ आने के बाद हम करते हैं अनसेलेक्ट ऑल, और मुझे नेम में से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं तो हम लोग कैंडिडेट नेम पर क्लिक करते हैं, और इतना करने के बाद हम इसे करते हैं ओके, और इसको 7 डुप्लीकेट वैल्यू मिली है, तो इसने उन 7 डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर दिया है। अब 36 जो यूनिक वैल्यू है वही रह गई हमारे पास। ओके करते हैं इसको और थोड़ा नीचे आते हैं इस तरह से। अभी हम देखेंगे अभी यहाँ पे 44 तक लिखा हुआ था, अब सिर्फ 37 तक लिखा हुआ है।
इसने 7 वैल्यूज को इसमें से रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग अपने इस रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन को समझ सकते हैं। इसी ऑप्शन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देते हैं डेटा वैलिडेशन। अब ये जो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन होता है ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक यूजफुल ऑप्शन है। ये एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया में डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये एरिया आपका रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, जहां पे आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इस लोकेशन पे जाऊं, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से चलिए मैंने लिख दिया मिस, यहाँ पे गया मैं, यहाँ मैंने लिखा रीना और आगे बढ़े। अब रीना की जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ अभी 9/9/1995 और यहाँ पे करते हैं एंटर। तो इसने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ले लिया है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई वैलिडेशन ना लगा हो। हम लोग एज की बात करें अगर, तो यहाँ पे मुझे एक एज लगानी है, तो मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ ऐसी। तो एज मैंने यहाँ लिखा 28 ईयर्स, यहाँ पे करते हैं एंटर। तो देखेंगे जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे ना, ये दिखाएगा रेस्ट्रिक्शन और दिखाएगा यू आर आउट ऑफ एज क्राइटेरिया। तो इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16 और एंटर करता हूँ। तो अभी भी ये मुझे कह रहा है कि मैं एज क्राइटेरिया से बाहर हूँ, यहाँ पे लिखना चाहूंगा 19 और एंटर करते हैं। तो इसने 19 ईयर्स को एक्सेप्ट कर लिया है। इसी तरह से हम सैलरी पे जाते हैं और सैलरी पे मैं यहाँ लिखता हूँ 90,000, एंटर करते हैं। तो ये हमारी वैल्यू को मैच नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23,000 या 25,000 या 26,000, तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पे। अब इसी तरह से मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। अब मैंने जल्दीबाजी में जो है मोबाइल नंबर एक्स्ट्रा लिख दिया, ये कह रहा है कि इनवैलिड नंबर 10 डिजिट मोबाइल नंबर इज अलाउड। तो यहाँ कह रहा है कि 10 नंबर का मोबाइल नंबर सिर्फ यहाँ पे अलाउड किया गया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रैंडमली मैंने कोई नंबर लिखा। जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो 10 डिजिट्स का नंबर ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये वैलिडेशन हम लोग किस तरह से लगा सकते हैं, हमें अभी वही ऑप्शन समझने हैं। तो अभी मैं इस पूरे डेटा को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लगाना है वैलिडेशन, जिसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ जाने के बाद हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और इसे करेंगे ओके। ओके करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे क्लियर ऑल और हम कर देंगे ओके। अब इस पूरे सेक्शन में से वैलिडेशन हमारा हट चुका है। मुझे यहाँ पे मिस, मिस्टर और मिसेस करके कुछ ऑप्शंस मतलब टाइटल यहाँ पे ऐड करने हैं और वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इतना सेक्शन सेलेक्ट करके हम लोग वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम लोग लिस्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और इस सोर्स में जाएंगे। सोर्स में आने के बाद हमें थोड़ा सा इसको आगे को मूव करना है और यहाँ से अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे एक इनपुट मैसेज रहता है जो आप दे सकते हैं और एक एरर अलर्ट रहता है वो आप दे सकते हैं। तो अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मिस्टर मिस करके लग जाएगा। मैं लिखता हूँ मिस्टर। अब यहाँ पे मैं किसी का नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोहित सिंह। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा डेट ऑफ बर्थ। अब मैं इस सेक्शन को एक वैलिडेशन देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को चेंज करता हूँ डेट में। अब डेट में यहाँ पे बिटवीन है, नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू है, कई ऑप्शन इसके अंदर है। तो अगर यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारी जो डेट है मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे वो एक लिमिट में यहाँ से वहां तक रहे, मतलब एक फिक्स पोजिशन पे रहे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे वो 1 जनवरी 1998 से लेके जो हमारी डेट ऑफ बर्थ इसमें रहेगी वो 1 जनवरी 2005 तक अलाउड रहेगी। और इसके बाद मैं इनपुट मैसेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक टाइटल ऐड कर देता हूँ जहाँ मैं लिखता हूँ 1998 to 2005। जैसे इसे पता चल जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। एरर अलर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ इनवैलिड डेटा, यहाँ लिख देते हैं योर डेटा इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शन दे सकते हैं और ऐसे आप कर दीजिए ओके। यानी कि अगर आप कोई डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं जो कि रहने वाली है सही, तो सही डेट ऑफ बर्थ को ये कुछ इस तरह से एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर कोई डेट ऑफ बर्थ आप आउट ऑफ डेट लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ 12/1/1997 और इसे करते हैं एंटर, तो ये उसको नहीं लेगा, इनवैलिड डेटा, तो डेटा इज नॉट वैलिड, इस तरह से ये आपको रोक देगा। इसी तरह से हम लोग एज पे लगा सकते हैं। हम फिर से वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ आने के बाद हम सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ से हम इसे चेंज कर देते हैं किसी ऑप्शन में, जैसे मैंने इसे कर दिया यहाँ से डेसिमल प्लेसेस में। अब डेसिमल प्लेसेस में मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई मुझे जो एज यहाँ पे लिखनी है वो होनी चाहिए 18 से लेके 25 तक। और यहाँ पे हम लोग इनपुट मैसेज आगे यहाँ लिख देंगे 18 से लेके 25 और यहाँ जो हमारा एरर अलर्ट रहेगा यहाँ पे हम लिख देंगे एज, एज अलर्ट, यहाँ वो लिख लेते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया योर एज इज नॉट करेक्ट।
और इसको ओके कर देते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे। अब अगर मैं कोई भी डेट बिटवीन 18 to 25 लिखता हूँ अब यहाँ ऑलरेडी, तो इसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा कुछ इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ मैं ऐसे बाहर लिखता हूँ, मैंने 26 लिखा इसको और एंटर किया, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये एरर शो कर देगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे एज पे लग चुका है ये ऑप्शन। बात करें अगर सैलरी की, तो यहाँ पर भी हम एक वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे आने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं होल नंबर पे। अब होल नंबर पे मैंने लिखा कि सैलरी जो है वो मिनिमम हो सकती है किसी भी एम्प्लॉय की 10,000, और वो जो सैलरी है वो मैक्सिमम हो सकती है यहाँ से 50,000। इससे ऊपर की वैलिडेशन हम रोक नहीं रखने वाले हैं, हम इसे कर देंगे इसको ओके। तो यहाँ पर जो हमारी जो सैलरी होगी, अगर किसी की सैलरी बिटवीन 10 to 50 रहती है तो वो इजिली यहाँ पे लिखी जा सकती है। लेकिन कभी भी अगर हम सैलरी 50 से थोड़ा सा भी ऊपर लिखेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने अभी इसमें कोई भी एक एरर अलर्ट नहीं दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने मुझे ऑटोमेटिक एक एरर यहाँ पे शो करके दे दिया है कि यहाँ पे हमारी जो वैलिडेशन है वो रेस्ट्रिक्शन को मैच नहीं करती है। इसी तरह से हम मोबाइल नंबर का यूज कर सकते हैं। एज ऑफ इंडिया हम लोग 10 digits का मोबाइल नंबर यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ आने के बाद मैं इसे कर देता हूँ टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक, और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो अभी मैं बिटवीन की जगह ना इसे कर देता हूँ इक्वल टू, मोबाइल नंबर तो 10 का ही होना है, तो हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। यानी कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई नंबर अगर 10 digits का लिखूंगा तो ये उसको ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा या इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर कम लिखता हूँ 10 से तो ये उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और साथ ही अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 10 से बड़ा कुछ इस तरह से तो ये उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि नंबर को आपका टैग पे होना फिक्स है। इस तरह से हम लोग वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इसी के साथ साथ हमारे पास अगले कई सारे ऑप्शंस आते हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं इसमें कंसोलिडेट ऑप्शन। तो कंसोलिडेट ऑप्शन आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक यूजफुल ऑप्शन होता है, जहां पे हम देखें यहाँ पे हमारे पास है कंसोलिडेट डेटा, यहाँ पे आया कंसोलिडेट 2, यहाँ पे आया कंसोलिडेट 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा डेटा है वो हमें एक शीट में कंबाइन होके मिल जाए, तो हम कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक न्यू वर्कशीट ले लेता हूँ। अब इस न्यू वर्कशीट में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम डेटा टाइप के अंदर इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे कंसोलिडेट ऑप्शन पे। यहाँ आने के बाद एक रेफरेंस आपको मांगेगा ये, जहाँ पे हम लोग शीट 1 का रेफरेंस इसको दे देंगे। यानी इस पूरे डेटा को हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम ऐड करते हैं। शीट 2 में हम चले जाते हैं, डेटा तो सेम है तो बार बार चेंज करने की जरूरत है नहीं, इसको सिर्फ ऐड कर देंगे। 3 पे क्लिक करते हैं और इसे ऐड कर देते हैं। तीनों डेटा ऐड करने के बाद अब आप टॉप रो पे क्लिक करिए, लेफ्ट कॉलम पर क्लिक करिए और यहाँ से क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा पे क्लिक करिए। और जैसे जैसे आप ओके करेंगे तो जब कि शीट नंबर 3 होगी उसमें ये पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, जहाँ पे आपके पास कंसोलिडेट 1 में जो आपके अमाउंट है वो ये रहे, जो क्वांटिटी है वो ये है और जो रेट है वो ये है। और आपकी जो शीट नंबर 3 है इसमें अगर हम देखें तो सारे के सारे यहाँ पे प्लस होके आए हैं। तो तीनों शीट्स का अगर हम कैलकुलेट करें कुछ इस तरह से आएगा। अब मैंने वहाँ पे एक ऑप्शन अप्लाई किया था जो कि कुछ इस तरह से आपको शो हो रहा था यहाँ पे कि क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। इसने यहाँ पे क्या किया, ये कुछ इस तरह से ऑप्शन हमें दिए हैं यहाँ पे। अगर हम इन पे क्लिक करते हैं, इस प्लस आइकन पे अगर क्लिक करें तो ये दिखाएगा कुछ इस तरह से कि हमारी जो फर्स्ट शीट थी कंसोलिडेट की उसमें हमारा ये वैल्यू है, जो हमारा डेटा टाइप का सेकंड शीट है वो है ये, थर्ड शीट है ये कंसोलिडेट में। रेट तो सभी में सिमिलर है बट जो क्वांटिटी है वो इसमें 200 है, इसमें 106 है, 146 है। तो इस तरह से इसने क्वांटिटीज को यहाँ पे जोड़ के दे दिया है हम लोगों को कि 452 हो रही है। अमाउंट अगर देखें तो यहाँ पे 34,000 है, यहाँ पे 18,000, यहाँ 24,000, और यहाँ पे उसने उसको जोड़ के दे दिया है। यानी कि इस तरह से हम लोग कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसका यूज कर सकते हैं अपने किसी भी डेटा को डिफाइन करने के लिए अलग अलग लोकेशन पर। इस तरह से इस फॉर्मेट में आप अपने डेटा को इजीली दिखा पाएंगे। ये आपका दूसरा डेटा है रिहान प्राइवेट लिमिटेड का, ये है आपका राम प्राइवेट लिमिटेड का, और ये है आपका अमन इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रोहन का ये रहा, रिहान का ये रहा, राम का ये रहा, अमन का ये रहा, अमित ट्रेडर्स का ये रहा। तो ये आपको हेल्प करेगा इस तरह से डेटा को डिफाइन करने के लिए। आई होप गाइस आपको ये कंसोलिडेट ऑप्शन भी पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटा बना के रखा हुआ है। ये एक डेटा है हमारे पास रिलेशन का और एक डेटा है हमारे पास रिलेशन 2। तो यहाँ पे हम लोग अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन में और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं टेबल फॉर्मेट में। उसके बाद हम इसे कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद इस टेबल का आपको कोई नाम डिफाइन करना है, और नेम डिफाइन करने के लिए आपको इस लोकेशन पे जाना है। यहाँ पे आप अपनी टेबल का कोई भी नाम दे दीजिए। मैंने इसे नाम दे दिया रिलेशन _1, इस तरह मैंने इसका नाम दे दिया। उसके बाद मैं रिलेशन 2 पे गया और इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में गए और इसको भी हम लोगों ने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। टेबल फॉर्मेट में आने के बाद अब आप इसका भी कोई नाम दे दो, जैसे कि मैंने इसका नाम दे दिया रिलेशन 2, और यहाँ पे कर देते हैं बाहर क्लिक। तो इस तरह से हमारे पास दो डेटा बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, चाहे आप रिलेशन 1 से करिए रिलेशन 2 से करिए। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है
और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पाइवट टेबल का, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर हम लोग इस डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं पाइवट टेबल में, तो पाइवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं हमें इस ऑप्शन को चेक कर देना है, एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ओके, यह आपके डेटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे एक अनदर शीट आपको एड करके दे देगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे रिलेशन वन यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से क्लाइंट्स है यहाँ पे, और यहाँ से डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे क्वांटिटी है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं ऑल में, अब यहाँ पे मेरे पास रिलेशन वन भी है, टू भी है, टेबल टू भी है हमारे पास, और यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन टू करके अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक्टिव के अंदर रिलेशन वन है, रिलेशन वन का ये वन शो कर रहा है, यानी मैंने ऑलरेडी इसको एक बार यूज किया है इसमें, इस वजह से रिलेशन वन का वन शो कर रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग ऑल पे जाते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ से कोई दूसरी चीज देखें, लाइक जैसे यहाँ पे लिखा है रिलेशन टू, तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम डिस्क्रिप्शन और रेट आ रहे हैं, मुझे इस डेटा को भी यहाँ पर अटैच करना है, तो उसके लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ से कर देंगे शो इन एक्टिव टैब, जिससे होगा ये कि ये अब यहाँ पर शो होने लग जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो अब देखेंगे रिलेशन टू भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे जो डेटा चाहिए वो चाहिए डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, या क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग, या क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में क्लिक करता हूँ। डिस्क्रिप्शन से ये होगा कि मैंने जो डेटा बनाया है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे आप देख सकते हैं इन कम क्लाइंट्स ने इन डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की सेल की हुई है इतनी इतनी क्वांटिटीज में, और उसका क्या रेट रहा है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर हम यहाँ पे अपनी शीट पर आते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको क्वांटिटी पे क्लिक, तो इसकी जितनी जितनी क्वांटिटी होंगी, डेल की जितनी क्वांटिटी होगी दिख जाएगा, लॉगिटेक कीबोर्ड की जितनी क्वांटिटी होगी वो दिख जाएंगी। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, मैंने यहाँ पे रिलेशन टू में मैं क्लिक कर देता हूँ रेट पर, तो जैसे मैंने यहाँ पे रेट किया सारे के सारे रेट यहाँ पे आ चुके हैं। बट आप इसमें एक चीज नोटिस करिए कि थोड़ा सा इसमें इनकरेक्शन आ रहा है। अब वो इनकरेक्ट चीज क्या है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे डेल मॉनिटर है उसके इतनी क्वांटिटीज है तो रेट इतना है, उस तरह से इस कीबोर्ड का इतनी क्वांटिटी है तो रेट इतना है। यानी देखिए ये चीज तो अलग अलग आई है, लेकिन ये चीज जो है सिमिलर आ रही है, यानी कि जो हमने सेकंड टेबल से जो डेटा लिया है वो कुछ इस तरह से शो कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेबल मे बी नीडेड, कि रिलेशनशिप दो टेबल्स के बीच में जरूरत पड़ सकती है उसकी, तो क्या आप ऑटो डिटेक्ट करना चाहते हैं? अगर आप ऑटो डिटेक्ट करना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे, बट अभी हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। अब हम समझते हैं डेटा टाइप से, हम यहाँ डेटा टाइप में चले जाते हैं, रिलेशनशिप ऑप्शन में क्लिक करते हैं, उसके बाद हम न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे ये कहता है कि हम लोगों को यहाँ से अपने कॉलम्स को पिक करना है यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं रिलेशन टेबल टू, यहाँ पे हम सेकंड टेबल सेलेक्ट करेंगे, और सेकंड टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग वो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जो दोनों में सिमिलर होगा, तो डिस्क्रिप्शन दोनों में सिमिलर है तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड टेबल में हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग टेबल सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट वाली, और देखेंगे जैसे मैंने फर्स्ट टेबल सेलेक्ट की यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन इसने ले लिया है, क्योंकि दोनों में वो सेम है, और ये हमारा प्राइमरी है इसलिए मैंने फर्स्ट टेबल को नीचे लिया है, और ये फॉरन है तो इसे मैंने इसको सेकंड को ऊपर लिया है। इसके बाद इसको ओके कर देते हैं और यहाँ से इसे इधर रखते हैं। जैसे मैंने इसको ओके किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो रेट है ना वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि जो 15 हमारे मॉनिटर हैं उनका रेट यहाँ पे इस तरह दिख रहा है, और जो हमारे कीबोर्ड 100 उनके इस तरह दिख रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे रेट सिमिलर आ रहे थे अब वो अलग अलग वैल्यूज आपको दिख जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन का यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है हमारे यहाँ पे पावर पाइवट विंडो। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमने ये जो डेटा बनाया है इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे पावर पाइवट की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत भी एडजस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से हम लोग अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के साथ साथ अगर हम कोई और काम भी इसमें करना चाहें तो वो काम भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका डेटा व्यू है जो कि आपको शो हिडन डेटा सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास डायग्राम व्यू का। अगर नॉर्मली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो मैंने अभी सीट्स क्रिएट किया ना अपनी, तो उन सीट्स का डेटा हमें हम लोगों को शो कर देगा, जहाँ पे दिखा रहा है कि जो हमारी रिलेशन टू है वो रिलेशन वन से इंटरलिंक है। इस तरह से ये आपको एक डायग्राम शो कर देता है, ये डायग्राम व्यू में आप डेटा को देख सकते हैं अपने। वैसे मोस्टली इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, बट हम इस ऑप्शन को समझ पाएं, एनालाइज कर पाएं, इसके लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो अभी मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। आई होप गाइस डेटा टूल्स के अंदर बताए गए ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फॉरकास्ट। तो फॉरकास्ट से रिलेटेड ऑप्शन में सीखने के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डेटा बना के रखा हुआ है। सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास होने वाला है फॉरकास्ट के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, और इसके अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन होगा सिनेरियो मैनेजर। अब सिनेरियो मैनेजर किस तरह से यूज करता है, ये कह रहा है कि क्रिएट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज और सिनेरियोज, यानी हम कुछ वैल्यूज के डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और हम लोग उनमें स्विच कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एक डेटा बना के रखा हुआ है, मुझे एक न्यू इंस्टीट्यूट ओपन करना है जहां पर मैं मॉनिटर ऐड करूंगा, कीबोर्ड ऐड करूंगा, माउस ऐड करूंगा, सीपीयू ऐड करूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा मॉनिटर का बजट है
वो मैक्सिमम 5000 तक मिल जाए मुझे, कीबोर्ड मुझे मैक्सिमम 500 तक मिल जाए, माउस मुझे मैक्सिमम 300 तक मिल जाए और सीपीयू मैक्सिमम मुझे 15000 मिल जाए। तो मेरा जो मैक्सिमम बजट है एक सिस्टम बिल्ड करने के लिए वो है 20800। अब यहाँ पे मुझे मैं पता करने जाऊं कि इस रेट में चीपेस्ट क्वालिटी में या मिड रेंज में या एक्सपेंसिव क्वालिटी में मुझे डेटा चाहिए होगा, तो मैं किस तरह का डेटा बनवाऊंगा, यानी किस तरह का सिस्टम मैं बिल्ड करवाऊंगा, तो वो सारी चीजें मुझे एक रिपोर्ट की तरह रखनी है। तो उस कंडीशन में मैं इसका यूज कर सकता हूँ। आप इसको ऑफिस में कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें नॉर्मली यहाँ पे जाना है वर्डिंग एनालिसिस के अंदर, इसके बाद हमें अपने सिनेरियो मैनेजर में चले जाना है। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी सिनेरियो ऐड नहीं है, हम लोग एक न्यू सिनेरियो में ऐड करेंगे और उसके लिए हम लोग ऐड ऑप्शन में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आता है सिनेरियो नेम, तो मैं सिनेरियो किस नेम से रखना चाहता हूँ वो नेम मुझे यहाँ पे रखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं फर्स्ट रख लेता हूँ यहाँ पे लो रेंज का। तो लो रेंज रखने के बाद हम यहाँ पे आके इस जगह पे क्लिक करेंगे सिनेरियो में चेंजिंग सेल्स में, और इसको यहाँ से पूरा रेंज से सेलेक्ट करके दे देंगे। फिर हम कर देते हैं यहाँ से ओके। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे जो स्पेसिफाइड रेंजेस हैं, वैल्यूज जो हमारी ऑलरेडी मैंने दे रखी हैं, वो वैल्यू हम लोगों को शो कर रहा है। तो इन वैल्यू को मैं लो रेंज में चेंज करता हूँ कि जो मॉनिटर है वो मुझे सबसे लो क्वालिटी में जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2500 का, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। और जो कीबोर्ड है जो मुझे सबसे चीपेस्ट क्वालिटी मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 250 रुपये का, और यहाँ पे जो मेरे को मिल रहा है माउस जो चीपेस्ट क्वालिटी में मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 150 रुपये का, और जो हमारे पास सीपीयू होने वाला है वो हमें मिल रहा है 10000 रुपये का। तो यहाँ पे मैं वो लिख लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे लो रेंज हमारी ऐड हो जाती है। अब उसके साथ साथ मुझे एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है, तो हम दोबारा ऐड में क्लिक करेंगे। अब मुझे मान लीजिए चाहिए एक मिड रेंज, यानी कि एक मिड रेंज का भी सिस्टम हमारा बन पा रहा है जिसमें हम लोग इसको करते हैं ओके। अब यहाँ पे जो मेरे मिड रेंज का मॉनिटर मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 4000 में, और जो कीबोर्ड है वो मिल रहा है मुझे 400 में, जो हमारा माउस है वो हमें मिल रहा है यहाँ पे 200 का, और जो हमें यहाँ पे सीपीयू मिल रहा है वो बन रहा है हमारा 13500 का। इसे हम कर देते हैं ऐड। अब अगला सिनेरियो मुझे इसमें रखना है हाई रेंज का, तो मैंने लिखा हाई रेंज। उसके बाद हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हाई रेंज में जो मेरे को मॉनिटर यहाँ पे मिल रहा है वो मिल रहा है 4800 का, जो हमें मिल रहा है यहाँ पे कीबोर्ड वो मिल रहा है 450 का, और जो माउस मिल रहा है हमें वो मिल रहा है 250 का, 260 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जो मॉनिटर हमें मिलने वाला है वो मिलेगा 14500 का, और इसे हम कर देते हैं ओके। तो हमारे तीनों रेंज लो मिड और हाई यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे करते हैं शो। तो जैसे हम लोग शो करेंगे तो इसने कुछ इस तरह यहाँ पे एक जैसे हमने शो किया तो इसने यहाँ पे लो रेंज शो कर दी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर मैं करता हूँ शो, तो यहाँ पे मिड रेंज शो कर देगा। अगर मैं हाई रेंज पे क्लिक करूँ और देन मैं शो करता हूँ तो यहाँ पे हाई रेंज शो कर देगा कि जो मेरा हाई रेंज है वो कितने में आने वाला है। तो अभी जैसे कि मैं इस चीज को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से मैं जाता हूँ समरी में। अब समरी में आने के बाद मुझे इस जो ये सेल है हमारी उस सेल की जो समरी है वो चाहिए, तो हम इसे कर देंगे ओके। अब जैसे हम लोग इसको ओके करेंगे तो आपके देखेंगे करंट वैल्यूज जो है वो ये रही, और लो रेंज ये रहा, मिड रेंज ये और हाई रेंज ये। अब करंट वैल्यू में ये वैल्यू क्यों आ गई, करंट वैल्यू में ये वैल्यू इसलिए आ गई क्योंकि जब मैंने यहाँ से इसको चेंज किया था तो ये कुछ इस तरह से लास्ट वैल्यू ही इसने यहाँ पे रख ली है। अगर जो मेरी वैल्यूज होती है वो अगर थोड़ा सा चेंजेस होती जो मैंने पहले रखी थी तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा दिखता। अभी इस तरह दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से कि ये चेंजिंग सेल्स है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, अपनी अगर कुछ और लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेट ऑफ एसेसरीज, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो वो लिख लेते हैं, और यहाँ पे कुछ और लिखना चाहें तो हम यहाँ पे वो लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा इस तरह से अमाउंट चेंज। अब मान लीजिए जैसे मुझे इनको चेंज करना हो, यहाँ C5, C6, C7, C8 लिखा रहा है, मुझे इनकी जगह वैल्यू चाहिए कि आखिर ये डेटा किस चीज का है। उसके लिए हम लोग अपने डेटा में चले जाते हैं दोबारा से, और यहाँ आने के बाद मैं फिर से इस डेटा को वही रख लेता हूँ। पहले तो मैंने से लिख दिया 5000, यहाँ मैंने लिख दिया 500, यहाँ मैंने लिखा 300, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 15000। तो ये मेरा मैक्सिमम बजट था अभी तक का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे और इसको एक नेम दे देंगे। यहाँ नेम बॉक्स में जाने के बाद इसको एक नेम दे देते हैं, मैंने इसका नाम रख दिया मॉनिटर। और उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे पे क्लिक करते हैं, इसका नाम हम लोग यहाँ से रख लेते हैं चेंज करके कीबोर्ड। फिर तीसरे पे क्लिक करते हैं, इसका नाम यहाँ रख लेते हैं माउस। और फोर्थ पे क्लिक करते हैं, इसका नाम हम लोग लेते हैं यहाँ पे सीपीयू। तो सभी का नाम हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हैं, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम समरी पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग कर देते हैं इसको ओके। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा आपके पास आया है वो आया है नेम के साथ साथ, पर अमाउंट भी हमारे करंट वैल्यू में ये वाला शो किया है इसने। लो रेंज में हमारी जो डेटा बन रहा था कि 12900 का हमारा पूरा बन रहा था वो इसने शो किया है। मिड रेंज में इसने ये शो किया है 1800, मिड रेंज में इसने ये शो किया है, मिड रेंज में इसने ये शो किया है 18000, और यहाँ पे हाई रेंज में इसने शो किया है 20010। तो ये हमारी तीनों जो रेंज है
तो ये हमारे तीनों रेंज है यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर मैं इन वैल्यूज को चेंज करना चाहूँ तो कर सकते हैं चेंज, और अगर आपको इसमें टेक्स्ट साइज वगैरह बढ़ाना हो या इसमें कोई भी टाइप की फॉर्मेटिंग देनी हो तो वो आप कर सकते हैं और एक रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें हम अगला ऑप्शन देखते हैं गोल सीक। तो गोल सीक के लिए हम लोग आगे दूसरी शीट इसमें ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा बना के रखा हुआ है गोल सीक के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा ये है कि मुझे 24,000 रुपए के कीबोर्ड सेल करने हैं और कीबोर्ड मुझे दे रखे हैं 60। अब मुझे ये देखना है कि आखिर अगर मैं 60 कीबोर्ड सेल करता हूं तो मुझे एक कीबोर्ड की क्वांटिटी, तो मुझे एक कीबोर्ड का रेट कितना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग इस जगह क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ बटन एनालिसिस में जाते हैं और यहाँ से करते हैं गोल सीक में क्लिक। अब यहाँ पे सेट सेल में ये वैल्यू आ जाती है, टू वैल्यू में कहां तक इसको चेंज करना है। तो टारगेट अमाउंट मेरा है 24,000, और बाय चेंजिंग सेल किस सेल को चेंज करके हम लोग यहाँ पे आके किस सेल को आके हम लोग यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। तो हम लोग इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे कर देते हैं ओके। तो जैसे हमने इसको ओके किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑटोमेटिक इसने बता दिया कि 400 का आपको एक कीबोर्ड सेल करना पड़ेगा, जब जाके आपके 60 कीबोर्ड जो होंगे वो 24,000 में सेल होंगे। तो इस तरह से हम लोग गोल सीक का यूज कर सकते हैं। गोल सीक के अलग अलग ऑप्शन की मदद से गोल सीक के अलग अलग एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने डेटा के लिए। अगर आपको रेट चेक करना हो, आपको क्वांटिटीज चेक करनी हो कि कितने आपको रेट में पड़ेंगे, वो सारी चीजें गोल सीक कर देता है। तो गोल सीक से आप अलग अलग डेटा को फीड कर सकते हैं। अब इसी के साथ हमारे पास इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा टेबल का। तो डेटा टेबल किस तरह से वर्क करता है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो टोटल है मैं यहाँ पे इक्वल करके इसी टोटल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और करते हैं एंटर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 60 क्वांटिटीज कीबोर्ड जो हो रही है वो 400 के अकॉर्डिंग अगर सेल होती हैं तो आपको 24,000 रुपए अमाउंट पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 60 की जगह वो 80 हो तो हमें क्या अमाउंट देना पड़ेगा, या वो 100 हो तो क्या अमाउंट पड़ेगा, या वो हो 120 तो क्या अमाउंट पड़ेगा, या वो हो 140 तो क्या अमाउंट पड़ने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को सेट करेंगे। हम जाएंगे इस जगह पे और डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूछेगा रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। तो हमें कॉलम इनपुट सेल में क्लिक करना है और हमें क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपना डेटा फीड करवाना है, और जो हमारी क्वांटिटी है वो ये है 60। तो हम 60 को सिलेक्ट करेंगे और इसे करेंगे ओके। तो जैसे मैंने इसको ओके किया, देखेंगे कि 60 कीबोर्ड पे आपको जो अमाउंट पड़ रहा था टारगेट वैल्यू वो थी 24,000 का, 80 पे आपको 32,000 का है, 100 पे 40,000, और इसी तरह से आगे वो डेटा हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग डेटा टेबल का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ जो हमारा अगला ऑप्शन है फोरकास्ट के अंदर, वो है फोरकास्ट सीट। अब इसके लिए हमने एक डेटा बना के रखा हुआ है, ये किसी कंपनी की सेल है कि 2018 में उनकी सेल इतनी हुई, 2019 में उनकी सेल इतनी हुई, 2020 में इतनी हुई, 21 में इतनी हुई और 22 में इतनी हुई, यानी कि उनका प्रॉफिट और लॉस चलते रहा। तो वो प्रॉफिट और लॉस हम लोगों को एक फोरकास्ट शीट में रेडी करके देना है कि आखिर किस मंथ में हमारी कंपनी ने किस किस तरह से ग्रो और ग्रो अप किया सब कुछ। तो कभी भी मुझे अगर किसी इन्वेस्टर को ये डेटा देना होगा कि मेरी कंपनी अभी इस टाइम इतने लॉस में थी, इतने प्रॉफिट में थी, और आने वाले इस टाइम में वो किस किस प्रॉफिट और किस किस लॉस से गुजर सकती है, वो सारे शीट मुझे फोरकास्ट करनी है, तो उस कंडीशन में मैं इसका डेटा बना सकता हूँ। और अगर मैं कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट उठाता हूँ तो वो मुझे मिल पाए। तो उसके लिए हम लोग फोरकास्ट शीट पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से सैंपल दिखा रहा है आपको कि ये इस तरह का डेटा बनेगा। तो हम लोग इसे कर देते हैं ओके। अब ओके करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से डेटा आ चुका है। हम इस पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम चार्ट डिजाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग चार्ट डिजाइन पे आएंगे यहाँ पे देखेंगे आपको कलर दिख जाएंगे कि कलर कॉम्बिनेशन आपको किस तरह से डेटा को देखना है, तो आप ये रख सकते हैं। अगर हम लोग इनकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कुछ इनपुट है जो हम लोग जिनके अकॉर्डिंग डेटा को देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो आखिर और किस किस ऑप्शन में देख सकता था हमको। तो हम लोग ये ऑप्शन ले लेते हैं। अगर हम क्विक लेआउट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लेआउट्स बने हुए हैं। जैसे आपको देखेंगे आप टेबल फॉर्मेट में ऐसे दिख रहा है आपको, या इस फॉर्मेट में ऐसे दिख रहा है, या इसमें ऐसे दिख रहा है। तो अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि आप किस किस तरह से अपने डेटा को देख सकते हैं। इसमें अलग अलग यूनिक तरीके हैं डेटा को फोरकास्ट करने के लिए। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ आपका ये वाला पॉइंट, और उसके बाद अगर हम लोग इसमें समझें इसको सही से, तो देखिए सेल जो ये हमारी है ये जो कि 18 के अंदर इतनी है, 19 में इतनी है, 20 में यहाँ आ गई लॉस हो गया, 21 में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और 22 में इतना प्रॉफिट हो गया। अगर हम लोग इसी प्रॉफिट में आगे को बढ़ते जाएं तो कुछ इस तरह से आपको डेटा दिखेगा कि हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ से मैं एक टेबल ले लेता हूँ। तो टेबल कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इस डेटा को थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि इजिली हम इसको समझ पाए। तो अभी हम लोगों ने इस तरह से इस डेटा को देखा। सेल हमारी ये है, फोरकास्ट सेल हमारी कोई इस तरह से आ रही है। अगर हमारा प्रॉफिट में रहता है तो अमाउंट इस तरह से रहेगा, और वहीं अगर हम लॉस में रहें तो 2022 का, 2023 का, 2024 का कुछ इस तरह से आपको रिपोर्ट ये रेडी करके दे रहा है, जहां पे आपको दिखा रहा है लो में क्या हो सकता है और अपर में क्या हो सकता है। तो ये हमारी वैल्यूज होने वाली है फोरकास्ट शीट के अंदर। तो इस तरह से हम लोग अपने डेटा को फोरकास्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये फोरकास्ट ऑप्शन भी समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अब इसी के साथ हमारा फोरकास्ट ऑप्शन होता है कंप्लीट, और हम आगे बढ़ते हैं आउटलाइन ऑप्शन पे।
तो आज की वीडियो के ये लास्ट ऑप्शन होने वाले हैं। अब यहाँ पे किस तरह से हम लोगों को इनको समझना है, इसमें देखिए ग्रुप ऑप्शन है। अब ग्रुप ऑप्शन क्या है कि मेरे पास एक कैटेगरी है, मतलब मेरे पास एक डेटा है उसमें कुछ सिमिलर कैटेगरीज है और उन सिमिलर कैटेगरीज को मैं एक जगह ऐड करना चाहता हूँ, जिससे कि जब मेरी मर्जी करे मैं उनको अलग करके देख सकता हूँ या हाइड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ। उसके लिए जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे एक डेटा है, तो हम इस पूरे डिपार्टमेंट को ग्रुप कर देंगे और उसके बाद मुझे रो के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए तो हम इसको ओके कर देंगे। जहां पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी का डेटा जो है वो ग्रुप हो चुका है। अगर मैं इस माइनस सेक्शन पे क्लिक कर दूं तो ये अभी के लिए आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हाइड कर देगा। सेम एज अ फर्नीचर पे जाता हूँ, इसे मैं ग्रुप करता हूँ और इसे ओके करता हूँ तो ये भी ग्रुप हो जाएगा, इसको माइनस करता हूँ तो ये भी हट जाएगा। अब कुछ इस तरह से आपको डेटा देखने को मिलेगा, सिर्फ व्हीकल और गारमेंट्स का डेटा दिख रहा है। अगर मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करूँ तो मुझे फर्नीचर का डेटा और इलेक्ट्रिसिटी का डेटा, दोनों के दोनों डेटा जो है मुझे दिख जाएंगे। अगर मुझे इन्हें अनग्रुप करना होगा तो यहाँ पे हम लोग इसे अनग्रुप करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो डेटा है वो ये वाला अनग्रुप हो जाएगा और फर्नीचर वाला डेटा हमें अनग्रुप करना है तो यहाँ पे हम अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो हमारा फर्नीचर का डेटा अनग्रुप हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, इसने पूरा उसको अनग्रुप नहीं किया, एक एक करके अनग्रुप किया है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक फर्नीचर तक और यहाँ से करते हैं अनग्रुप और ओके। तो अब हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ दोबारा से ग्रुप, इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो डेटा होगा वो ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सब टोटल का। सब टोटल किस तरह से वर्क करता है, हमने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम सब टोटल पे क्लिक करते हैं और इसे यस कर देते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास सेल्स आ रही है, हमारे पास डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास सेल्स एग्जीक्यूटिव आ रही है, यानी कि एड सब टोटल टू। हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड करना है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग या सेल्स के अकॉर्डिंग, तो मैं डिपार्टमेंट्स पे क्लिक कर देता हूँ और डेटा हमें जोड़ना है इसलिए हम सम पे क्लिक करके रखेंगे और इसे करेंगे ओके। तो जैसे मैंने इसको ओके किया आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे टोटल हो चुका है, थोड़ा सा मैं नीचे को ड्रैग करता हूँ इसको तो यहाँ फर्नीचर का टोटल हो चुका है, थोड़ा सा और नीचे को आते हैं यहाँ गारमेंट्स का टोटल हो चुका है और सबसे नीचे आते हैं तो इस तरह से हमारे पास व्हीकल का टोटल हो चुका है। अगर मान लीजिए मैं इस ऑप्शन को माइनस कर दूं तो आप देखेंगे इसे इलेक्ट्रिसिटी का टोटल दिखेगा, इलेक्ट्रिसिटी की कोई वैल्यू नहीं दिखेंगी। अगर हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं तो सारी वैल्यूज हमें इलेक्ट्रिसिटी की शो हो जाती है। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे है शो डिटेल्स और यहाँ पे है हमारे पास हाइड डिटेल्स। अगर मैं हाइड डिटेल्स पे क्लिक कर दूं, पूरा डेटा एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम करते हैं हाइड डिटेल्स, तो ये क्या करेगा कि इस तरह से आपकी सारी डिटेल्स को हाइड कर देगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी टोटल, फर्नीचर टोटल और आपका गारमेंट टोटल और व्हीकल टोटल, यही हम लोगों को इस तरह से दिख रही है। वहीं अगर हम लोग करते हैं शो, तो शो में ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले कर देगा। आई होप गाइस आपको ये ऑप्शंस भी क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हम लोग डेटा टेप के सारे ऑप्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आई होप गाइस इस वीडियो में बताए गए सारे ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे और आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। हालांकि वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो गई थी, लेकिन इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है एक्सेल के अंदर वर्क करते टाइम। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।